मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज के समारोह में सहभागी बन रहे सभी महानुभाव और विभाजन की त्रासदी को झेले हुए परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी की स्मृति दिवस में एकत्र होकर के इतिहास के उन काले अध्यायों को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्ययन का विषय नहीं होता है, वो एक प्रेरणा होती है, गलतियों के परिमार्जन का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। और विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्हीं बातों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र हजारों हजार वर्षों से जो एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहां की परंपरा और संस्कृति को रौंदा गया, तोड़ा गया, अपवित्र किया गया, इस देश को गुलाम बनाया गया। और जब भारत ने अंगड़ाई ली थी आजादी की लड़ाई को लेकर के, देश के महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस लड़ाई को लड़कर के देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब उसकी पूर्णता का समय आया तो विभाजन की त्रासदी का सामना इस सनातन राष्ट्र को करना पड़ा। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की, सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को
ही दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। यह विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत बल बुद्धि विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता था। याद करिए 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया के अंदर अग्रणी था। अगर दुनिया की जीडीपी की आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा भाग का नेतृत्व अकेले हिंदुस्तान करता था 16वीं सदी तक। इतना समृद्ध भारत था और यह तब था जब कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह झेल रहा था और लगातार फिर किस स्थिति में यह पहुंच गया था। आपने भी वह दृश्य देखा है फोटोग्राफ के माध्यम से, इस जो यहां पे भी सूचना विभाग ने त्रासदी के कुछ दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपावा नहीं और ये दृश्य बहुत कुछ है, चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 तक आते आते एक दलित देश में बदल गया था और वह दृश्य भी आपने देखा, वह दृश्य भी आपने देखा है। ये क्यों हुआ, क्या ये सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया, और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर, इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था, आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। परिणाम क्या है, परिणाम आप सबके सामने फिर वही है, परिणाम फिर आपके सामने वही है। तिथि बदली है लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था, वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे,
और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है, मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को स्वरूप में संचालन करना शुरू किया, जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा, हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने, भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने, भारत की परंपरा और संस्कृति को नष्ट करने का एक अवसर जो जिन्हें प्राप्त हुआ था, उस प्रकार की गलतियों को और विभाजन की जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है, वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सबका आह्वान कर रही है, और याद रखना, भारत केवल
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता का सम्मान करना चाहिए। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सत सत नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पीड़ा को दबाने के बावजूद भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत के संविधान को भारतवासियों को प्रदान किया। जो संविधान आज भी हम सबका नेतृत्व करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और उन सभी महापुरुषों से जिन्होंने भारत के संविधान सभा के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया, इस संविधान के माध्यम से हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। और इस लोकतंत्र के साथ मिलकर के कैसे हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, इन स्वतंत्रता के उन नायकों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करना होगा, जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए समर्पित करके अपने आप को बलिदान किया था। आज के इस अवसर पर भारत फिर से अखंड भारत की दिशा में अग्रसर हो सके, महर्षि अरबिंदो के सपने को साकार कर सके, उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो सके, इसके लिए हमें भारत को 1947 तक, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव 1947 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, उस समय एक ऐसा भारत जो विकसित भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, सशक्त भारत होगा, और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन पंच प्रणों की बात की, उन पंच प्रणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है और वह है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के प्रति हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, शासन में हो सकते हैं, प्रशासन में हो सकते हैं, पुलिस सेवा में हो सकते हैं, व्यवसाय में हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, समाज के किसी भी तबके में रहकर के वो कार्य शिक्षक है, अधिवक्ता है, किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ उसे कार्य करना होगा। राष्ट्र प्रथम का यह भाव जब हमारे जीवन का संकल्प बनेगा, तो भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद रखना, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति दुनिया को अचंभित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, दुनिया अभिभूत है, भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, उसे विश्वास है कि भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। और इसलिए भारत की तरफ आज के समय में दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है तो भारत की तरफ दुनिया देख रही है, भारत की तरफ दुनिया का आकर्षण हमें एक नए भारत का दर्शन कराता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, और 10 वर्ष में, आज से 10 वर्ष पहले भारत दुनिया की 10वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति था, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1947 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और उस ताकत के लिए भारत के हर नागरिक को एकजुट होकर के अपने आपसी मतभेदों को समाप्त करते हुए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों से सतर्क रहते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। इतिहास के उन गलतियों के परिमार्जन का एक अवसर हम सबके सामने है। हम फिर से इस प्रकार की गलतियों की त्रासदी और इस प्रकार की विभाजन की त्रासदी का सामना फिर से वर्तमान और भावी पीढ़ी को न करना पड़े, इसके लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय होना चाहिए। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अजनायकवादी रहा है, और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंद और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं धन्यवाद दूंगा उन वक्ताओं को जिन्होंने अपनी बातों को यहां पर रखा, और खास तौर पर सरदार निर्मल सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात भी यहां पर रखी कि त्रासदी किस प्रकार की थी। हमारी लखनऊ की पूर्व मेयर स्वयं उस त्रासदी का शिकार बनी थी, मात्र एक वर्ष की, और दो वर्ष के बाद उनके पिता उन्हें उस कैंप में मिल पाए जहां पर वे लोग, उनके परिवार के लोग त्रासदी के शिकार थे। किस प्रकार की स्थितियां थी, बैलगाड़ी से चल रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनका ठिकाना कहां है, कहां लक्ष्य है, कोई पता नहीं। किस प्रकार के दृश्य थे, किस प्रकार की त्रासदियां थी। बरसात का समय, नदी नालों में पानी, भीषण गर्मी, उमस, और उस समय अपने परिवार के साथ अपने पुरखों की भूमि को छोड़ करके जाना, उन स्थितियों में अपने इष्ट देव को छोड़ करके जाना किस प्रकार का दृश्य रहा होगा। आज भी हम देख सकते हैं ननकाना साहेब में हमें गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में वहां कीर्तन का अनुमति नहीं होती है, नगर कीर्तन की अनुमति नहीं मिल पाती है, कोई भी आयोजन वहां करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। और सिंध तो हिंदू बाहुल्य था, सिंध तो आज भी सिंधी बाहुल्यता का राज्य है, उसे पाकिस्तान में के अंदर क्यों जाने दिया गया। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे, 22% हिंदू थे, आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है, 7-8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था, लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि वे पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रहकर के भी
उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि मजहबी उन्माद, ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही प्रास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा। आज के इस अवसर पर मैं विभाजन की त्रासदी के शिकार परिवारों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उस समय खोया था, उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि विभाजन की त्रासदी से हम कुछ सबक लेकर के आने वाली भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की त्रासदी न होने पाए, इसके लिए संकल्पित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।